Good morning, students. Today, in class 7, we are going to start chapter 6. New chapter, chapter 6, the triangle and its properties. Chapter is triangle and its properties. So, triangle ke baare mein, as you already know, जानते हैं आप सब टॉपिक थ्री लेट अस गिव अ इंट्रो ऑफ ट्रायंगल हो सकता है आप किताब कॉपी जब कई महीनों से ना उठाए तो लेट अस वंस अगेन गिव द इंट्रो ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल विद थ्री साइड्स साइड्स थ्री ए दो तीन थ्री साइड्स आर देयर एंगल्स थ्री वन टू थ्री वर्टिसेस थ्री दिस वन दिस वन ठीक है तो ये होता है ट्रायंगल अब इसमें दो चीज और है आपके इस टॉपिक में मीडियन और एल्टीट्यूड मीडियन कब होता है जब किसी भी ट्रायंगल को दो पार्ट में तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं मीडियन इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन मीडियन इज द बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन एनी साइड तो अगर ये ए से बी सी पर मीडियन डालना पड़ेगा तो इसका मिड पॉइंट है इसका मिड पॉइंट क्या होगा एडी इज द मीडियन एडी इज मीडियन ठीक है अब एल्टीट्यूड मान लेते हैं ये ट्रायंगल ठीक है तो एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ऑन एनी साइड एबीसी ट्रायंगल अब ए से बी सी पर एल्टीट्यूड डालने के लिए राइट एंगल बनाते हुए यहां से इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा जहां पे 90 डिग्री बनेगा वही इसका क्या होगा एल्टीट्यूड होगा ठीक है मतलब एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर मीडियन मीन्स बाइसेक्टर ऑफ द साइड ठीक है तो नाम अलग कर देते हैं एम AM is perpendicular BC ठीक तो AD जो हो गया मीडियन हो गया और AM हो गया perpendicular अब आइए कम टू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.1 इन ट्रायंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR Exercise 6.1 Triangle PQR Exercise 6.1 Triangle Question number 1 There is a triangle Triangle at PQR क्या है triangle जिसमें P Q R ठीक है PM इज द एल्टीट्यूड और PD इज मीडियन ये ऐसे और ये मीडियन है मिड पॉइंट मतलब यहां PD ठीक है अब D is mid point इधर D is mid point QR QR का mid point है अब सवाल है आपका first PM is first है PM क्या है is perpendicular on QR PM is perpendicular on QR
दूसरा सवाल है पीडी इज योर सेकेंड, पीडी क्या है, पीडी इज मीडियन है ना, पीडी इज मीडियन इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्वेश्चन है क्या क्यू एम एम आर इक्वल होगा, नो, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट डी है, तो क्यू डी विल बी इक्वल टू डी आर, बट क्यू एम नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक, मिड पॉइंट ये है ना, मिड पॉइंट का मतलब पॉइंट जो किसी भी लाइन को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो क्यू डी विल बी इक्वल टू डी आर, क्यू एम विल नॉट बी इक्वल टू एम आर। ठीक है, थर्ड जो है क्यू डी क्यू एम नॉट इक्वल टू एम आर है ना, क्योंकि सिंस डी इज मिड पॉइंट और क्यू आर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू और थ्री आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री।